हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी अभी मस्त हूँ और अभी बज रहा है सुबह के 6:30। और मैं इतना सुबह ही आ गया हूँ, मुझे आना था सिधवल, एक गांव है यहीं पे, कुछ दवाई का काम था तो मैं दवाई ले लिया हूँ अभी। और अभी हम लोग रुके हैं, एक रास्ते में जंगल पड़ा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जंगल टाइप का ही है बट जंगल नहीं है, और ये बहुत बड़ा है ऐसा ही, और बहुत घने घने यहाँ पर पेड़ सब लगे हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हरियाली भी मस्त है यहाँ पे, और धूप का तो कोई मतलब निशान तक नहीं है इसमें, धूप का हल्का हल्का बस लाइट आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा भी हम लोग अंदर से बाहर आ चुके हैं, और रवि और पवन यहाँ पे खड़े हैं, और अपने गाड़ी को यहाँ पे हम लोग खड़ी कर करके गए थे अंदर। और भाई यहाँ पे इतने मच्छर काट रहे हैं ना, क्या बताएं। तो यहाँ से जल्दी हम लोग को निकलना पड़ेगा, लगता है यहाँ पे धूप नहीं आती है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, और अभी हम लोग चाय नाश्ता कुछ नहीं करके आए हैं घर से, तो अभी जाएंगे यहाँ से तो करेंगे अभी, तो यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स घर। फ्रेंड्स तो अभी मैं नहा लिया हूँ, और अभी हो रहा है ये शाम। वैसे तो मैं वहाँ से सुबह में ही चला आया था, बट अपना ब्लॉग शाम को स्टार्ट किया बनाना, बिकॉज मैं आते वहाँ से खा पी करके सो गया था, और मेरा जुकाम तो ठीक हो नहीं रहा है भाई, पता नहीं गले से कैसी आवाज़ आ रही है। और फ्रेंड्स देखते हैं क्या करते हैं आज शाम को, मम्मी तो गई हैं अभी चट्टी पर, तो आज कुछ प्लान करेंगे, कहीं देखेंगे जाए आएंगे, और नहीं जाएंगे तो घर पे ही रहेंगे। फ्रेंड्स तो अभी रात भी हो गई है, और मैंने अभी पहना नीचे शर्ट के नीचे स्वेटर पहन लिया हूँ, और अभी जा रहा हूँ मैं रसड़ा, वहाँ पे आज करेंगे हम लोग पार्टी। तो मैंने ऊपर शर्ट पहन लिया अपने स्वेटर के ऊपर, और ये टोपी लगा के जा रहा हूँ बिकॉज ठंडा लग रहा है, और रात में तो बहुत तेज़ ठंडा लग रहा है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, और चलते हैं मिलते हैं रसड़ा फिर। फ्रेंड्स तो अभी मैं रसड़ा आ गया हूँ, और यहाँ पे आ करके रेलवे स्टेशन पे रुके हुए हैं। हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, नहीं भाई गाड़ी तो ख़राब नहीं हुई थी, उसमें का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हम जानते थे गाड़ी ख़राब हो गई है, बिकॉज उसका एक तार छूट रहा है बार बार, तो हम जान रहे थे कि उसका वायर ही छूट गया है और बेकार हो गई है। बट आकर मैकेनिक से दिखाया तो भैया बोले कि इसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो पेट्रोल लिए हैं और आ गए अभी मस्त यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हैं। और अब जाएंगे यहाँ से मार्केट में अपने लिए शर्ट कुछ लेना, और ये शर्ट एक है इसको वापस करेंगे, उसके बाद से फिर देखेंगे कुछ पार्टी शार्टी करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। स्टेशन पे रुका हूँ और ट्रेन पे देख रहा हूँ, पीछे एक क्रॉस का निशान है। आप लोग मुझे बताइए कि ये क्रॉस का निशान किस लिए लग रहता है ट्रेन के पीछे? फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। फ्रेंड्स तो आज पूरे दिन हमारे साथ पोपटी होया जा रहा है, अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया था और अब हो गई है हमारी गाड़ी पंक्चर, तो पवन लेकर के गया उसको बनवाने के लिए। हम लोग भी जा रहे हैं वहीं पर, पैदल जा रहे हैं अभी हम लोग, देखते हैं कब तक जाते हैं भाई, बहुत दूर है। टायर हमने यहाँ पे दे दिया है, और मैकेनिक भैया बना रहे हैं नीचे बैठ करके, देखते हैं कब तक बनाते हैं। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, और आज हमारा सुबह से लेकर शाम तक पूरा पोपट ही पोपट होता रहा, हमारी गाड़ी पंचर हो गई और गाड़ी को बनवाने में इतना लेट हो गया कि सारे दुकान भी बंद हो गए थे। हम लोग गए थे एक शर्ट को फेरने के लिए और एक नया शर्ट लेने के लिए, बट कुछ नहीं हो पाया भाई, बिकॉज सारी दुकान ही बंद हो गई थी, और रेस्टोरेंट तक बंद हो गए थे आज, पता नहीं क्यों 8:30 तक ही बंद हो गए थे, तो कुछ खा भी नहीं पाए, और वैसे हम लोग को घर आना पड़ा। अभी तो सब लोग घर पे सोए हैं, तो चलता हूँ मैं अभी सोने। होपफुली ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।